के सैनिक इन तीन सीटों पर लड़े, मतलब उनके प्रत्याशी लड़े, चाहे झंझारपुर में हो, गोपालगंज में हो या मोतिहारी। झंझारपुर में 1,80,000 वोट से इनके प्रत्याशी हारे। आलोक कुमार सुमन 1,25,000 से ऊपर वोट लाए हैं इनसे, इनकी तुलना में प्रेमनाथ चंचल जो इनके प्रत्याशी थे। अब मोतिहारी का उठाकर देखिए, करीब करीब 80,000 वोट से राधा मोहन सिंह जीते हैं वहाँ, मतलब डॉक्टर राजेश कुशवाहा 80,000 वोट से हारे। सिर्फ मुकेश सहनी अपना सीट नहीं हारे हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी को भी कई सीटों पर हरा दिए हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, महागठबंधन के घटक दल है कांग्रेस, कांग्रेस लड़ रही थी मुजफ्फरपुर से, वहां पर राजभूषण चौधरी निषाद इतना बड़ा मार्जिन से कैसे अजय निषाद को हरा दिए मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी पिछ लगबू नेता है, जब से ये राजनीति कर रहे हैं पीछे पीछे घूमने का, क्योंकि इनका अपना कोई राजनीतिक विशाख है नहीं। ये जिस जाति की राजनीति का दावा करते हैं कि हम मल्लाहों का राजनीति कर रहे हैं, मल्लाह आरक्षण को लेकर पूरा बिहार घूमे, वही मल्लाह इनको वोट नहीं किए। अति पिछड़ा है, केवट है, निषाद है, इनके नेता कभी भी मुकेश सहनी नहीं रहे, आज भी वो वोट बैंक है ना, वो बिहार में बीजेपी के साथ है। देखिए बीजेपी के हारने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं जो सीटों पर बीजेपी हारी है, लेकिन तेजस्वी के हारने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आ रहा है वो बने हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी एक ऐसे फैक्टर है बिहार में जो सिर्फ घूमे तेजस्वी के साथ, बड़बोलापन में बयान देते हैं आगे बढ़ बढ़ के, लेकिन अगर जमीन पे उनका पकड़ पूछा जाए कि मुकेश सहनी का कितना राजनीतिक पकड़ है बिहार में, वो तो इस रिजल्ट ने साबित किया है। और मुकेश सहनी खुद तो डैमेज हैं ही, उनको तो मैं शुरू से मानता हूँ कि बिहार के राजनीति में वो सिर्फ तामझाम और प्रचार के लिए, उनका ना कोई राजनीतिक विसात है ना उनका राजनीतिक वोट बैंक है। वो कितना भी मल्ला आरक्षण की बात करें, मल्ला बीजेपी को ही वोट कर रहा है। चार सीटें जो आरजेडी जीती है, कहीं वो 5 भी हो सकता था, कहीं वो 6 भी हो सकता था, कांग्रेस का भी विकास बढ़ सकता था। क्या उस नुकसान में कहीं पर भी मुकेश सहनी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इसका आकलन आरजेडी को अब करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अब आपको बता दें कि देखिए इसका परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अब बात करेंगे मुकेश सहनी की, जो वीआईपी सुप्रीमो है। इनका ये टिकट बंटवारे से पहले एनडीए में जाना चाहते थे, उनके मनपसंद का जब टिकट नहीं मिला तो वो महागठबंधन में शामिल हो गए और उन्हें 3 सीट मिला, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। अब देखिए ये तीनों सीट मुकेश सहनी हार चुके हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उदित आर्यन। उदित, ऐसा क्या वजह था कि इस लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी अपनी तीनों सीट से हार गए, जबकि वो लगातार इस पे बने हुए थे, तेजस्वी यादव के साथ जनसभा भी कर रहे थे, 200 वो आंकड़ा भी पार किए और खुशी से एकदम फूले नहीं समा रहे थे, ऐसा क्या वजह था कि हार गए? देखिए हार जीत तो हुआ सो हुआ ही, बिहार में इस बार एक ट्रेंड देखने को मिला, और बिहार में ही उत्तर प्रदेश में भी आधी चर्चा हो रही थी कि यूपी के भी करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटों पर बीजेपी हारी है जहां हार जीत का अंतर 20,000 से कम है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप सारण देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी महज 13,000 वोट से जीते हैं, आप बक्सर देखिए, सुधाकर सिंह महज 30,000 वोट के अंतर से जीते हैं। बिहार की भी कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पर हार जीत का अंतर बड़ा कम रहा है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इसी अंतर से हार जीते हैं प्रत्याशी, मतलब बहुत क्लोज कंटेस्ट था। लेकिन मुकेश सहनी जिन 3 सीटों पर लड़े, मतलब उनके प्रत्याशी लड़े, चाहे झंझारपुर में हो, गोपालगंज में हो या मोतिहारी, अब जरा यहाँ का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हमारे जो दर्शक है इलेक्शन कमीशन के साइट पर आप जाकर देखिए, झंझारपुर में 1,80,000 वोट से इनके प्रत्याशी हारे हैं, 1,84,000 वोट से रामप्रीत मंडल जो है वो आलोक कुमार सुमन महासेठ को हरा दिए। आप गोपालगंज जाकर देखिए, आलोक कुमार सुमन 1,25,000 से ऊपर वोट लाए हैं इनसे, इनकी तुलना में प्रेमनाथ चंचल जो इनके प्रत्याशी थे। आप मोतिहारी का उठाकर देखिए, करीब करीब 80,000 वोट से राधा मोहन सिंह जीते हैं वहां पर, मतलब डॉक्टर राजेश कुशवाहा 80,000 वोट से हारे हैं। तो मुकेश सहनी के प्रत्याशियों का हार जीत का मार्जिन भी बड़ा रहा है, सिर्फ हार जीत जैसे कॉलोनी अचार हारी 13,000 वोट से हारी है, मात्र 13,000 वोट से लगभग वो सांसद बन ही गई थी। 13,000 वोट अगर पब्लिक उनके पक्ष में दे दिया होता या 7,000 पब्लिक उनके पक्ष में दिया होता तो रूढ़ी जी नहीं जीत रहे होते, रूढ़ी जी हार गए होते चुनाव। इससे आप आंकड़ा लगाइए कि मुकेश सहनी कितने मजबूत नेता बचे हुए हैं बिहार में। देखिए मुकेश सहनी पिछलगबू नेता है, जब से ये राजनीति कर रहे हैं पीछे पीछे घूमने का, क्योंकि इनका अपना कोई राजनीतिक विसात है नहीं। ये जिस जाति की राजनीति का दावा करते हैं कि हम मल्लाहों का राजनीति कर रहे हैं, मल्लाह आरक्षण को लेकर पूरा बिहार घूमे, वही मल्लाह इनको वोट नहीं किए हैं। झंझारपुर में अच्छी खासी संख्या में मल्लाह वोटर, अगर वो एकमुश्त वोट इनको पड़ा रहता और उसको भी छोड़िए, हम एक और उदाहरण देते हैं, सिर्फ मुकेश सहनी अपना सीट नहीं हारे हैं, मुकेश सहनी तेजस्वी को भी कई सीटों पर हरा दिए हैं।
उदाहरण के तौर पर समझिए, महागठबंधन के घटक दल है कांग्रेस, कांग्रेस लड़ रही थी मुजफ्फरपुर से, वहां पर राजभूषण चौधरी निषाद इतना बड़ा मार्जिन से कैसे अजय निषाद को हरा दिए मुकेश सहनी कहलाते हैं, मल्लाहों की राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर में करुणा, बड़ी आबादी है वहां पर मल्लाहों का, एक बड़ा वोट बैंक है मल्लाहों का, वो वोट बैंक रहा राजभूषण निषाद चौधरी के साथ, तभी वो जीते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि भूमिहार वोटर जो है वो भी टर्नआउट नहीं हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मुन्ना शुक्ला ने सभा किया था कि भूमिहार जो है मुजफ्फरपुर के वो कांग्रेस को वोट करेंगे, चर्चा इसकी हो रही थी। इसके अलावा मल्लाह भी कहां वोट किए, देखिए मुकेश सहनी खुद तो डैमेज है ही, उनको तो मैं शुरू से मानता हूं कि बिहार के राजनीति में वो सिर्फ ताम झाम और प्रचार के लिए है, उनका ना कोई राजनीतिक विसात है ना उनका राजनीतिक वोट बैंक है, वो कितना भी मल्लाह आरक्षण की बात करे मल्लाह बीजेपी को ही वोट कर रहा है, आज भी मल्लाह बीजेपी को ही वोट कर रहा है, सभी सीटें उठाकर देख लीजिए आप, खगड़िया में देखिए राजेश शर्मा कैसे जीत गया, खगड़िया लोकसभा में करीब करीब 1.25 लाख के आसपास मल्लाह वोटर है खगड़िया में, कहां गया वो वोट ट्रांसफर, बड़ा मार्जिन से जीते हैं राजेश शर्मा, ऐसा भी नहीं है कि 10-20 हजार वोट से जीते हैं, 1 लाख के ऊपर के मार्जिन से निकाल लिए सीट। समस्तीपुर का आप उदाहरण लीजिए, आप हाजीपुर कोई लोकसभा सीट पकड़ लीजिए आप, सभी जगहों पर गुना गणित तो वही ना है सभी जगह पर, कि मुकेश सहनी एक ऐसे फैक्टर है बिहार में जो सिर्फ घूमे तेजस्वी के साथ बड़बोलापन में बयान देते हैं आगे बढ़ बढ़ के, लेकिन अगर जमीन पे उनका पकड़ पूछा जाए कि मुकेश सहनी का कितना राजनीतिक पकड़ है बिहार में, वो तो इस रिजल्ट ने साबित किया है, और पहले भी कई बार देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो इनके विधायक जीते थे 4 या 5 संख्या जो था वो सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। अगर मुकेश सहनी आज इतनी बड़े मतलब कहा जाए तो एक बड़ा रिवाइवल हुआ है महागठबंधन का बिहार में, 3 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, 4 सीट पर तेजस्वी यादव जीत गए, 2 सीट पर वाम जीत गई, 9 सीट जीते, उस रिवाइवल में भी इतना तेजी से जो कमबैक हुआ महागठबंधन के अन्य दलों का, लेकिन मुकेश सहनी तब भी 0 थे और अब भी 0। तो इसी से बंदा तो लगा लेते कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में कितने बड़े फैक्टर बनेंगे, और तेजस्वी के लिए ये एक लायबिलिटी है। आज अगर तेजस्वी यादव सहनी को नहीं लिए रहते शायद इससे 1-8 सीट ज्यादा जीते रहते। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 4 ही सीट जीत पाए 4 ही सीट, लेकिन मैंने कहा ना कि उनको हराने में एक बड़ी भूमिका मुकेश सहनी का रहा। आप बताइए ना हमको कि मुजफ्फरपुर मल्लाहों की राजधानी है, वहां कैसे जीत गया भैया, एक तरफ अजय निषाद भी लड़ रहे हैं, कहा जा रहा था कि उनका भी अपना वोट बैंक है, मल्लाहों के नेता वहां से खुद मुकेश सहनी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब वो सीट बीजेपी कैसे जीत गई, झंझारपुर में कैसे रामप्रीत मंडल जो है वो करीब करीब 2 लाख वोटों से आगे बढ़ गए सुमन महासेठ से, झंझारपुर में भी अति पिछड़ा वोट अच्छी खासी संख्या में है, मल्लाह है, केवट है, निषाद है, बिंद है, बेलदार है, कई जातियां हैं जिनके नेता बनते हैं मुकेश सहनी, फिर कैसे वो सीट जो है वो एनडीए गठबंधन जीत जा रही है, रामप्रीत मंडल जीत गए, गोपालगंज को तो फिर भी हम मानते हैं कि भाई वो सीट जेडीयू का ही था, मोतिहारी में दावा कर रहे थे कि मोतिहारी में इनका बड़ा दावा था, तो अति पिछड़ा है, केवट है, निषाद है, इनके नेता कभी भी मुकेश सहनी नहीं रहे हैं, आज भी वो वोट बैंक है ना वो बिहार में बीजेपी के साथ है। देखिए बीजेपी के हारने के पीछे बहुत कारण हो सकते हैं जो सीटों पर बीजेपी हारी है, लेकिन तेजस्वी के हारने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आ रहा है वो बने हैं मुकेश सहनी। अगर देखा जाए तो चूंकि अपना सीट तो नहीं है बचा पाए और कई सीटों पर राजद को भी नुकसान किया है करना। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लेकर चलेंगे वीआईपी सुप्रीमो को? देखिए तेजस्वी यादव को तो नहीं पता, मुकेश सहनी ही अब चलेंगे कि आगे कि नहीं इस पे शंका होगा, और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी को अब कोई उपयोगिता, देखिए राजनीति में कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें सामने वाले जो घटक दल होते हैं या जो पार्टी होती है उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूती से आपके साथ रहेगा। मुकेश सहनी बार बार फ्लॉप हुए हैं बिहार में, 2019 के लोकसभा चुनाव में फ्लॉप हो गए, खुद लड़के हारे, 2020 के विधानसभा चुनाव में फ्लॉप हो गए, कई सीटों पर चुनाव लड़ते 4 जीते थे, उसके बाद अब 2024 का लोकसभा चुनाव में तो ये अंतिम मुहर लगा है कि मुकेश सहनी स्टैंड्स नोवेयर इन बिहार पॉलिटिक्स। अब सवाल है कि तेजस्वी इनको कितना दिन लेकर ढोएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव तक किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव जो है, देखिए तेजस्वी का एक अपना करियर है, तेजस्वी का एक अपना चार्म है बिहार की राजनीति में, तेजस्वी का एक अपना फैन बेस है, एक अपना वोटर्स है, एक उनका अपना आधार है राजनीति का, उनके पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत उपयोगिता मुझे मुकेश सहनी का अब नहीं दिखता है। क्योंकि मुकेश सहनी देखिए अगर चिराग पासवान
दावा करते हैं कि हमको 6% वोट मिलता है, तो अब तो इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है कि 5.8% वोट चिराग पासवान को मिला। ये तो इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है, मतलब जितने वोटों का दावा बीजेपी को कर रहे थे चिराग, उतना डिलीवर कर दिए, अपने 5 की 5 सीट निकाल ले गए। लेकिन मुकेश सहनी जो 9-10% वोट का बात करते हैं कि हम, मेरे पास 9% वोट है, 10% वोट है, वो काहे 1% वोट भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं बिहार में। आज बिहार में सबसे सर्वाधिक वोट किस पार्टी को मिला परसेंटेज वाइज? आरजेडी, करीब करीब 23% वोट आरजेडी को मिला है। दूसरे नंबर पे बीजेपी है 21%, तीसरे नंबर पे जदयू है 18%, कांग्रेस है 8%, लोजपा है 6% के आसपास। मुकेश सहनी कहां है सिंह? मुकेश सहनी का भी कोई वोट होना चाहिए ना, वो तो दिखता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जाके हमारे दर्शक देख लें, वहां पर आपको भी तसल्ली मिल जाएगा कि मुकेश सहनी को कितना परसेंट वोट मिला है। 1% वोट भी मुकेश सहनी को बिहार में नहीं आया। क्लियर मतलब है कि मुकेश सहनी की पार्टी कहीं है ही नहीं बिहार की राजनीति में, ये कहीं नहीं है, बस बार्गेन करना है राजनीतिक तौर पर। इनका नुकसान और इनका खामियाजा आखिर आरजेडी क्यों उठाए, तेजस्वी यादव क्यों उठाए? अगर अभी इनका एक सांसद बन जाता तो वो तेजस्वी यादव के चलते बनता, लेकिन जो हार हुआ है इतने सीटों पर तेजस्वी का, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इसका आकलन करेंगे, स्व आकलन करेंगे, और उनको इस बात का मंथन भी करना होगा कि 4 सीटें जो आरजेडी जीती है, कहीं वो 5 भी हो सकता था, कहीं वो 6 भी हो सकता था, कांग्रेस का भी 1 सीट बढ़ सकता था। क्या उस नुकसान में कहीं पर भी मुकेश सहनी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इसका आकलन आरजेडी को अब करना होगा। तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है, वो अपने मन पसंदीदा पहले तो वो सीट मांग रहे थे, फिर उनको 3 सीटें मिली, वो भी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन उसमें भी वो हार गए। तो देखिए क्या कुछ होता है। तो और भी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।